हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। आज की वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फिनाल्स पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट्स अटैच हो रहा है तब फिनाल के एडी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट होगा। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि फिनाल्स एंड अदर कंपाउंड्स में हम लोग एडी प्रॉपर्टी में रिलेशन किए थे, जैसे फिनाल एंड एल्कोहल। लेकिन इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फिनाल पर कोई सब्स्टिट्यूट अगर फॉर मोर वीडियो अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अधिकांश अगर फिनाल भी अटैच कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में फिनाल की ही प्रॉपर्टी इस तरह से बैरी करेगा। तो इसमें यह हम कुछ आपको ग्रुप्स बताएंगे, जो कि ग्रुप आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। तो हमारे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं जो अटैच होने वाले हैं फिनाल के रिंग पे, कार्बन पे, वो हमारे दो हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ई डी सी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ई डब्ल्यू सी। इफेक्ट आप सब्स्टिट्यूट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल, सब्स्टिट्यूट्स का जो है फिनाल के एसिडिटी पर क्या प्रॉपर्टी होगा। तो हमारे ये जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे अभी इसके पहले हम बताएं कि हमारे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं ये टू टाइप हैं जो इफेक्ट्स हो करते हैं, और दोनों कौन कौन से हैं जिसे हम दिखाते हैं। ई डब्ल्यू जी और सेकेंड हमारा सब्स्टिट्यूट्स क्या है जो कि फिनाल पे अटैच होकर फिनाल के एडी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा, वह सब्स्टिट्यूट्स है हमारा ई डी जी। तो एक दो हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं ई डब्ल्यू जी, इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसको हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इसको हम लोग रिलीजिंग भी करते हैं, रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये ई डब्ल्यू जी और ई डी सी ये हमारे दो ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं जो फिनाल के रिंग पे अटैच होकर फिनाल के एडी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। तो ई डब्ल्यू जी और ई डी जी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो है यानी ड्रा करेंगे फिनाल की तरफ से, खींचेंगे फिनाल के कार्बन से इलेक्ट्रॉन अटैच होने पर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ड्रा करेंगे, और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जब फिनाल के रिंग पर अटैच होंगे और उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये दो रीजन, दो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन ड्रा करने वाला है, इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को देने वाला है। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ड्रा करने वाले जो ग्रुप हैं उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कहेंगे, और जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन देंगे अगर कोई सब्स्टिट्यूट अटैच होकर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, जैसे अगर सपोज कीजिए एक हम ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, दैट इज फिनाल्स, ये फिनाल की स्ट्रक्चर है, इस पर कोई अटैच हो गया यक्स, और यक्स अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये यक्स जो है कोई सब्स्टिट्यूट है कोई ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन में बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड हाइड्रोजन से है, अगर यह जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है जिसे हम दिखा सकते हैं ई डी जी, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है यह ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, अगर इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे कंडीशन में यह इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो अब यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा,
जिससे ये ऑक्सीजन बहुत ही पावरफुल के साथ हाइड्रोजन को अपने तरफ ड्रा करेगा, अब हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं छोड़ेगा कि ये ऑक्सीजन की पावर बढ़ जाएगी, जब ऑक्सीजन की पावर बढ़ जाएगी तब ये ऑक्सीजन बहुत आसानी से हाइड्रोजन को बाहर निकलने नहीं देगा, तो ऐसे कंडीशन में यह हमारा वीक एसिड हो जाएगा, क्योंकि हम एसिड उसको कहते हैं जो इजिली एस प्लस, जो इजिली एस प्लस को दे, अगर इजिली एस प्लस को देगा तो उसकी एसिडिक पावर बढ़ेगी, अगर एस प्लस को इजिली नहीं देगा तो उसकी एसिडिक पावर घटेगी, कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप कोई अटैच हो जाए कि रिंग को इलेक्ट्रॉन दे, जब रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रा जो है ऑक्सीजन की तरफ होगा, अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो है नंबर बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ जाएगा, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की पावर बढ़ने से ऑक्सीजन जो है इजिली हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, क्योंकि पावर बढ़ने से यह हाइड्रोजन को अपनी तरफ ड्रा करेगा और इजिली एस प्लस रिलीज नहीं होगा, इसलिए यह वीक एसिड हो जाएगा। आप इसी तरह सपोज कीजिए, अगर हम यहाँ कोई ग्रुप लगाते हैं, यहाँ कोई वाई ग्रुप लगा दिए, यह वाई ग्रुप जो है, यह वाई हमारा जो है ई डब्ल्यू जी है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यह क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ड्रा कर रहा है, ये वाई को अगर हम मान लेते हैं कि यह ई डब्ल्यू जी है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो जब यह वाई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, मीन्स यह है कि रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ऐसे कंडीशन में इसका जो पुलिंग होगा इस ऑक्सीजन पर ही फिट होगा, अब ऑक्सीजन की जो पावर है वह घट जाएगी, ऑक्सीजन की पावर कम हो जाएगी, अब ऑक्सीजन की पावर कम होने से यह हाइड्रोजन्स जो है इजिली रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, जब यह हाइड्रोजन आयन इजिली रिलीज हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ये स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि जो अभी हम बताएं कि अगर एस प्लस इजिली निकल रहा है बाहर तो स्ट्रांग एसिड का बिहेव करेगा, और एस प्लस अगर न निकले, एस प्लस पे बांड बना कर रखे, पावरफुली बना कर रखे, तो उसको हम कहेंगे यह वीक एसिड है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर अटैच हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में एसिडिक पावर बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच हो रहा है तो एसिडिक पावर इसकी जो है कम हो जाती है। तो हमें यह जानना है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ई डब्ल्यू जी में कुछ हमें साइड एग्जाम्पल दे रहे हैं, ई डब्ल्यू जी, NO2, हैलोजन्स, एल्डिहाइड CHO ग्रुप्स, कार्बोक्लिक, CN, PPC, तो दीज आर EDC, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, और कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं EDC की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जैसे हम दिखाते हैं एल्किल ग्रुप्स, NH2, अमीनो ग्रुप्स, NR2, OR, etc. दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ शो किए हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं, इसका तो मैकेनिज्म रिएक्शन क्लास 11 में ऑलरेडी डीपली आप लोग स्टडी किए होंगे, उसको थोड़ा फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि इसके अलावा कोई अदर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप दे दिया और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करा के दे दिया फिनाइल पे, तब वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं उसको एक बार आप लोग केयरफुली उसको वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है, कैसे इफेक्ट देता है इफेक्ट ऑफ EWG एंड इफेक्ट ऑफ EDC। इफेक्ट ऑफ EWG, पॉइंट फर्स्ट, ग्रेटर द नंबर ऑफ EWG, ग्रेटर द
acidity of phenol. Greater the number of EWG, EWG का number अगर अधिक बढ़ता जाएगा तो फिनाल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वह भी जो है बढ़ती जाएगी. सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं EWG present on ortho and पैरा पोजिशन आर्थो एंड पैरा पोजिशन दस द एडी करेक्टर इंक्रीजेस कंपेयर टू मेटा पोजिशन. यह ईडब्ल्यूजी आर्थो और पैरा पोजिशन पे जब होता है तो इसका एडी करेक्टर इंक्रीज करता है अगर हम कंपेयर करें मेटा पोजिशन से. तो आर्थो पोजिशन और मेटा पोजिशन पे अगर EWG है तो वह मेटा पोजिशन से वह अधिक एडिक होता है. फॉर एग्जाम्पल फिनाल मोर एडी, फिनाल से मोर एडिक है. मेटा पोजिशन, मेटा नाइट्रोबेंजीन और इससे मोर एडिक होगा. आर्थोफार और इससे मोर एडिक होगा इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो मेटा पोजिशन है या इससे मोर एडिक है हमारे आर्थो पोजिशन और इससे मोर एडिक है पैरा पोजिशन. इस तरह से फिनाल की एडिक करेक्टर एंड इंक्रीज एसिडिटी बिहेवियर एसपी बिहेवियर इस तरह से इंक्रीज होगा कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइन ग्रुप्स है अगर यह मेटा फॉर्म पे है तब वीकर होगा और यह पैरा होगा तब यह मोर एडिक होगा. थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, ग्रेटर द नंबर ऑफ ईडब्ल्यूजी एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन मोर एसिडिक देन फिनाल. ग्रेटर द नंबर, यह ईडब्ल्यूजी का नंबर ग्रेट होता जाएगा तो उसके एडिक करेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दैट इज फिनाल्स से मोर एडिक होगा पैरा नाइट्रोफिनाल और इससे मोर एडिक होगा अगर इससे ईडब्ल्यूजी को हम आर्थो पर और पैरा लगा दें, पैरा पे यूज कर लें तो ये मोर एडिक है और इससे भी मोर एडिक होगा
इससे भी मोर एडिक है, अगर इस एनोड ग्रुप को हम आर्थो पे यूज कर लें, यहाँ पैरा भी यूज कर लें और यहाँ आर्थो भी यूज कर लें, जिससे हम कर सकते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल आर साइड में टी एन पी ट्राई नाइट्रोफिनाल्स। तो ये जो है जहाँ जो दिखाया गया है कि ग्रेटर नंबर ऑफ ई डब्ल्यू जी, अगर ई डब्ल्यू जी का नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो एडिटिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी, जिससे हम यहाँ देखें ई डब्ल्यू जी यहाँ पैरा पोजिशन पे है और यहाँ क्या देखें कि आठ एन पैरा पे है, यहाँ हमारे जो है 1 2 3 ई डब्ल्यू जी हो गए, जिससे भी आपको बताया गया कि ई डब्ल्यू जी इलेक्ट्रॉन का ड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को जो है इस रिंग की से अपने चारों तरफ खींचेगा, जैसे ही रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ चला जाएगा इस ऑक्सीजन पे जो है इलेक्ट्रॉन का जो है पावर कम होगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होती जाएगी और ये बहुत ही आसानी से इस प्लस जो है रिलीज कर देगा। तो जितने जैसे जैसे अगर ई डब्ल्यू जी का नंबर बढ़ता जाएगा इसकी एडिटिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। इफेक्ट ऑफ ई डी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का हम इफेक्ट देख लें। अटैचमेंट ऑफ ई डी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रोटॉन मीन्स एच प्लस प्रोटॉन रिलीज बिकम डिफिकल्ट। जैसे कि ये आपको बताया गया कि अगर ई डी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होते हैं, इसका मीन्स है कि जब रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वह रिंग अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जो है सप्लाई करता है और ऑक्सीजन पे जो है पावर बढ़ जाती है। तो ये जब ई डब्ल्यू जी लगेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे ऐसे कंडीशन में फिनाल जो है अपने इस हाइड्रोजन को ईजिली रिलीज नहीं करेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं फिनॉल्स और इस पर हम ई डी जी अटैच करा रहे हैं, ई डी जी ओ एच सी एच थ्री जिसे हम कहते हैं क्रिसाल आर्थो क्रिसाल। सेकेंड हम दिखा दे रहे हैं आर्थो नहीं, हम यहाँ दिखाते हैं इसको मेटा सी एच थ्री मेटा, यहाँ पैरा फार्म पे ई डी जी लगा दे रहे हैं और एक पिक्चर और शो कर रहे हैं जिनमें ई डी जी ग्रुप को आर्थो भी यूज कर दे रहे हैं और अगर इनका पी के वैल्यू जो देखा गया पी के वैल्यू इसका मिला 9.98 और इसका पी के वैल्यू मिला 10.08 और ये पैरा फार्म का पी के वैल्यू मिला 10.14 और ये आर्थो फार्म का पी के वैल्यू मिला 10.28। तो ये पी के वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो पी के वैल्यू की जब हम देखें पी के वैल्यू जिससे पहले बताया गया पी के वैल्यू आपको याद नहीं करना है, केवल एक लॉजिक जानना है कि पी के वैल्यू का अगर पी के वैल्यू बढ़ता जाएगा तो एडी प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज होती जाती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि फिनाल का पी के वैल्यू जो है सबसे कम है तो फिनाल मोर एडी होगा इससे, तो ये जो आर्थो फार्म है इससे मोर एडी यह पैरा हो जाएगा, पैरा से मोर एडी जो है मेटा हो जाएगा और इससे मोर एडी फिनाल हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर ई डी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच हो रहा है
तो उसकी एडी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती चली जा रही है। दस फिनाल इज मोर एसिडिक देन आर्थो क्रिसाल। सो स्टूडेंट्स नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट डाउन पॉइंट फर्स्ट अटैचमेंट ऑफ ई डब्ल्यू जी प्रोटॉन रिलीज become easy। Point second, attachment of EDG proton that is S plus proton release become हार्ड, तो यह बिकम हार्ड बिकम इजी। तो ई डी जी ई डब्ल्यू जी यानी ई डी जी, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, माइंड आउट कर लीजिएगा। और ये जो ई डब्ल्यू जी है और ई डी जी है ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं इसको जो है रिमेंबर कर लीजिएगा। सो ये जो प्रॉपर्टीज अभी आपको दिया गया इस लेक्चर में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर फिनाल, केवल फिनाल के लिए नहीं, आगे अभी आप लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे आगे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में, तो वहाँ भी आपको जो है कार्बोक्सिलिक का भी जो है प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो वहाँ भी आपको फिर ये पॉइंट ई डब्ल्यू जी और ई डी जी आपको फिर वहाँ मिलेंगी। सो थैंक्स। For new updates, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon and like the video, comment and share.